मौजूदा अधिवेशन सत्र में लक्ष्यभेदी सूचना के माध्यम से राज्य में जिस प्रकार मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं, वो मुद्दा चर्चा में लिया गया, जिसमें सहभाग लेते हुए विधायक विवेक पाटिल ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। विधायक विवेक पाटिल ने कहा है कि राज्य में मराठी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। आज देखा जाए तो मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लेते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर खर्चा करने के बाद भी विद्यार्थियों की संख्या कम पड़ती जा रही है, जिसके कारण मराठी स्कूल बंद होने के कगार पर है। उस पर एक ही उपाय है कि नगर पालिका, महानगर पालिका तथा जिला परिषद स्कूल आदि स्कूलों में सेमी अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा दी जाए, ताकि गरीब विद्यार्थियों को भी कम खर्च में अंग्रेजी सीखने का अवसर मिल सकता है और स्कूलों को विद्यार्थी भी मिलेंगे। विधायक विवेक पाटिल के इस सुझाव का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा ने कहा कि विधायक विवेक पाटिल द्वारा दिए गए सुझाव सही है और इसका स्वागत करना चाहिए। साथ ही श्री दर्डा ने यह भी कहा कि सेमी अंग्रेजी माध्यम के विज्ञान एवं गणित विषय पर विशेष स्टडी कर संबंधित विभाग से चर्चा कर सरकार अपना धोरण जाहिर करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधायक विवेक पाटिल द्वारा दिए गए सुझाव से उन माता पिता को राहत मिलने वाली है जिनकी आमदनी कम है और वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं।